From MST CD 2021, if the charge on the capacitor is increased by 2 coulomb, मतलब अगर initial charge को मैं Q मान लेता हूँ, तो final charge जो होगा, वो होगा Q plus 2. The energy stored in it increases by 21%. Energy stored increases by 21%. मतलब basically delta U by U into 100 is equal to 21. The original charge on the capacitor is original charge on the capacitor मतलब आपको Q का वैल्यू पूछा है. What is the value of Q initial? That is Q. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? It is too simple. If you remember, delta U by U into 100 मतलब ये होता है U final minus U initial into 100 और इसका हमको वैल्यू दिया हुआ है 21. Okay, U final U initial ये कैसे फाइंड करते हैं, पहले ये पता होना चाहिए. U इन जनरल अगर आपको याद होगा, याद है क्या? Q स्क्वायर बाय 2 C. तीन फॉर्मूला थे, हाफ सी वी स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2 C और हाफ क्यू वी. तो यहाँ पे आइडिया ये है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज यू हैव 3, Q स्क्वायर बाय 2 C, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू वी. पक्का? चलो ओके. तो इसमें से व्हाई वी आर यूजिंग द फर्स्ट वन, उसका एक सिंपल सा रीजन है. सेकंड तो नहीं यूज कर सकते, सेकंड तो यू कैन नॉट यूज, क्योंकि सेकंड में चार्ज नहीं है. तो थर्ड क्यों नहीं? क्योंकि सी कांस्टेंट होता है. व्हेन यू इंक्रीज द चार्ज, पोटेंशियल आल्सो चेंजेस, कैपेसिटेंस रिमेंस कांस्टेंट. तो इसलिए हम लोगों ने पहला फॉर्मूला यूज किया. You have U final equal to Q final square upon 2C and U initial equal to Q initial square by 2C. ये substitute कर दोगे तो you have delta U by U into 100 equal to U final minus U initial, U final Q final square by 2C minus Q initial square by 2C upon Q initial square by 2C into 100. इसकी value 21 दिया हुआ है. 21 परसेंटेज में 21 था. 2C कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया. तो यू हैव क्यू एफ स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर अपॉन क्यू वाई स्क्वायर इंटू 100. करेक्ट. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अब हाउ टू सॉल्व दिस? 21 और ये 100 डिवाइड करेगा कितना हो गया? 0.21. ये क्यू इनिशियल स्क्वायर यहाँ पे लेके आ गए. क्यू फाइनल स्क्वायर माइनस क्यू इनिशियल स्क्वायर. अब एक काम करना, 0.21 क्यू इनिशियल स्क्वायर को क्यू स्क्वायर बोला है. ओके, व्हाट इज क्यू फाइनल? व्हाट इज क्यू फाइनल? क्यू प्लस टू. या तो ऐसा कर लो, या तो इसको लिखो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल प्लस क्यू इनिशियल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म. ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 2 है. लुक, क्यू फाइनल इक्वल टू क्यू इनिशियल प्लस 2, तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इक्वल टू 2. तो ये कितना है? 2 है. तो 0.21 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2. व्हाट इज क्यू फाइनल? व्हाट इज क्यू फाइनल? क्यू प्लस 2. तो क्यू प्लस 2 और ये वापस क्यू है. ओके, कर लो सॉल्व. 0.21 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 क्यू प्लस 2. तो 0.21 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू प्लस 4. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. सॉल्व करना पड़ेगा. इट इज नॉट वेरी सिंपल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये. 0.21 क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू प्लस सॉरी माइनस 4 इक्वल टू 0. डोंट वरी, फैक्टर्स फ्रॉम द फैक्टर्स. हाँ, एक काम और कर सकते हो, या तो फैक्टर ढूंढो या फिर यहाँ से ऑप्शन उठाओ और चेक करो कौन सा इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. फिर यहाँ तक ही कर लेना. डू नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेप. डू नॉट मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ऐसा करने जाओगे ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको. तो जस्ट टेक एनी वैल्यू. रफली जो दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 20 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो हो सकता है 4 × 20 18 प्लस 4. अब मुझे 20 कैसे समझा? ये जो प्लस 4 है ना, प्लस 4 वहाँ से 84 हो गया. आखिरी नंबर क्या है? तो यहाँ पे 1 है 1,
वन इंटू फोर तो आखिर क्या आएगा, फोर आने के लिए क्यू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर, तो पॉइंट 21 और 20 का स्क्वायर 400 इंटू पॉइंट 21 एग्जैक्टली, तो क्यू इक्वल टू 20 कूलम के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डन, क्विक क्विक क्विक, क्वेश्चन नंबर टू अभी ये